वही उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट के खास मायने हैं। धामी सरकार ने 89,230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55,815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33,414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अब आप ये ट्राउट का उत्पादन इस बीच में कितना बढ़ा है ये आप सब देख ही रहे हैं। नारी शक्ति की यदि हम बात करें तो इसमें पूरा यदि मैं बात करूँ तो लगभग 14,538 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन किया गया। और इसमें चाहे नंदा गोरा हो, नंदा गौरव का आप देखिए कब से वो जो पेंडिंग हमारे योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, लाभार्थियों को, वो भी इसमें जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, गाय गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना है, यानी कि इस प्रकार से मैं संक्षेप में आपको ये विषय रख रहा हूँ। और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि आप ये समझें कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP ये 2022-23 में हमारा जो राज्य का कंट्रीब्यूशन था या जो उसका GSDP था वो 7.63% था।